जाति के समीकरण के बिना कोई भी चुनाव अधूरा है, जो तय करता है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। इसी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। यह पूरा खेल यूपी की सियासत को लेकर है, जहां ओबीसी वोटर नतीजों में अहम रोल निभाता है। लेकिन ये वोटर कैसे बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है, उसे जरा समझ लेते हैं। 2017 और 2022 के चुनावी नतीजे बताते हैं कि एसपी और बीएसपी के कोर वोट बैंक में बीजेपी ने जबरदस्त सेंधमारी की है। वो आंकड़े आपके सामने रखेंगे और अब आपको दिखाएंगे, देखिए बीजेपी ने किस तरह से जबरदस्त सेंधमारी की है। यादव वोटरों की बात करें तो यहां पर 2017 में जहां समाजवादी पार्टी ने 68% वोट हासिल किया था, 83% उसको मिले थे 2022 में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 10% दो बढ़ा है 2022 में। वहीं बीएसपी को 2% और 2% यहां पर 2017 और 22 के आंकड़े हैं। 2017 में जब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2022 में वो अकेले आरएलडी के साथ चुनावी मैदान में गई थी। यादव की बात अब आगे आ जाते हैं, कुछ और दूसरी जातियों को समझते हैं। कुर्मी, यहां पर आप देखेंगे कुर्मी बीजेपी को 63% कुर्मी जातियों ने वोट किया था 2022 में, यह 3% और बढ़ जाता है 66% के साथ। जबकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 17 में सिर्फ 16% कुर्मी ने वोट दिया था, हालांकि 2022 में उसमें उछाल जरूर देखा जा रहा है 25% के साथ, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाए। जबकि बहन मायावती की पार्टी को देखिए 7%, 17 में 3%, 2022 में यह आंकड़ा और कम हो गया है। यादव कुर्मी के बाद और जातियों की बात कर लेते हैं। मौर्य, कुशवाहा, सैनी, यहां पर आप देखेंगे 2017 में 56% बीजेपी को वोट मिला था, 2022 के विधानसभा चुनाव में यह 64% हो जाता है। जबकि एसपी की बात करें 18% 17 मिला था, 22% 2022 में पहुंचता है। वहीं बहन मायावती की पार्टी को 22% 17 में मिला था, लेकिन 4% तक के 2022 में वो सिमट जाती हैं। एक तरफ जहां बीएसपी कमजोर हो रही है, तो समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि जो उसका कोर वोट बैंक रहा है दलितों का, उसको अपने पक्ष में किया जाए। जबकि बीजेपी की सेंधमारी 14 के बाद के चुनावों से लगातार बहन मायावती के वोट बैंक में जारी है। अन्य ओबीसी को अगर हम ले, ये आंकड़े काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यादव जहां ज्यादा वोट करता है समाजवादी पार्टी को, तो अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 2017 के चुनाव में बीजेपी को 62% अन्य पिछड़ा वर्ग ने वोट किया था, 2022 में यह आंकड़ा और बढ़ जाता है 66% के साथ। जबकि समाजवादी पार्टी को अन्य ओबीसी का 15% हासिल हुआ था 2017 में, 23% 2022 के चुनाव में उसको हासिल होता है। और मायावती की बीएसपी को आप देख रहे हैं 11 और 4% का। समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिशों के बावजूद बहुत बड़ा वोट बैंक जो अन्य पिछड़े वर्ग का रहा, वो बीजेपी को वोट करता रहा और उसमें थोड़ा बढ़ोतरी भी हुई है। जाटव, जो बहन मायावती का वोट बैंक है, पूर्व सीएम का, बीएसपी का वोट बैंक माना जाता है जाटव, यहां पर आप देखेंगे 2017 में बीजेपी को 8% मिले थे, लेकिन 2022 में दुगने से ज्यादा का उछाल होता है 21% के साथ। लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी अलग थी, बीएसपी के साथ नहीं थी, उस समय 3% वोट मिला था। और अगर हम 2022 की बात करेंगे तो यहां पर 9% आप देख रहे हैं कि यहां पर वोट बैंक बढ़ता है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी साथ थे, लेकिन 22 का चुनाव अलग से लड़ा था। बीएसपी 87%, ये मायावती का वोट बैंक है 87%, लेकिन जब 2022 के चुनाव की बात आती है तो 65% यहां पर जो कमी होती है वो बीजेपी के साथ जाकर जुड़ जाती है। अन्य दलितों की बात करें, विधानसभा चुनावों का ये आंकड़ा दिखा रहे हैं, बीजेपी को 32% अन्य दलितों ने 17 में दिया था, 41% हो जाता है 2022 में। एसपी को 11% मिला था, 23% हो जाता है अन्य दलितों का साथ 2022 में। जबकि बीएसपी की बात करें तो इनका जनाधार घटा है, पहले मायावती को 44% 2017 में वोट मिला था, लेकिन 2022 का आंकड़ा आपके सामने है 27% के साथ। तो ये जातियों का पूरा गणित है, रामचरितमानस को इसका आधार बनाया जा रहा है और उसके जरिए सियासत को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं रहा है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए मायावती और अखिलेश यादव ने सालों पुरानी दुश्मनी भूलकर साथ आने का फैसला भी किया था 2019, आपको याद करना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने ना केवल अखिलेश यादव के वोट बैंक पर सेंधमारी की, बल्कि कुर्मी, कोयरी और अन्य ओबीसी का बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिला और यूपी में प्रचंड जीत सीटें हासिल हुई थी। यहां पर आपको 2019 लोकसभा का आंकड़ा दिखा रहे हैं, इसके जरिए आप देखिए बीजेपी को 2019 में 23% यादव ने वोट किया था, जबकि महागठबंधन यानी कि अखिलेश यादव मायावती को 60% लोगों ने, यादवों का वोट मिला था। लेकिन बीजेपी यहां पर भी सेंधमारी करने में कामयाब रही थी यादव वोट बैंक में।
कुर्मी कोयरी जहां 80% वोट करता है बीजेपी को, 19 में 14%, अखिलेश और मायावती की पार्टी को, अन्य ओबीसी 72% करता है 2019 में सिर्फ 18%, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जातियों से जुड़ा हुआ एक राजनीति का मैदान माना जाता है, लेकिन यहां पर हिंदुत्व वोट बैंक को किस तरह से इंटेक्ट रखने में बीजेपी कामयाब रही थी नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर वो आप देख रहे हैं। जाटव सिर्फ 7% बीजेपी के साथ गया था जबकि 75%, चूंकि जाटव एक मुश्त वोट बैंक ऐसा है जो मायावती के चेहरे को देखकर वोट करता है। अन्य दलितों में लेकिन यहां पर जबरदस्त सेंधमारी की थी 48% के साथ 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 42% गया था महागठबंधन को साथ।